गुड मॉर्निंग क्लास एट. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिक्विड प्रेशर इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो बिफोर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? Okay, now we all are surrounded by air from all the directions and this envelope of air around us is what we call atmosphere. ये envelope of air जो हमारे आस पास मौजूद है इसी को हम क्या कहते हैं? Atmosphere में भी कहते हैं. Got it? इस atmosphere में आपको air मिलेगी. So air जो करती है मिलेगी तो फिर liquid exerts pressure in all the directions. So we will take one example of that. So that you can easily understand the concept of atmospheric pressure. Got it? Now here we have a glass. So just consider कर लीजिए कि this is a beaker. ये आपका beaker है. Here we have water in this beaker and due to the gravity this water pull down towards the earth. Earth में ये नीचे की ओर खींच रहा है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. जैसे हम पानी ऊपर से नीचे की ओर डाल रहे हैं तो जब हम वाटर ऊपर से नीचे की ओर फेंक डालते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये बॉटम लेयर है, ये ग्लास का बॉटम लेयर जो है इस पे प्रेशर सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा एज कंपेरिजन टू द टॉप लेयर. गॉट इट? हमने ऊपर से पानी डाला तो इससे क्या हुआ, पानी डालते ही प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगा? इसके बॉटम पे लगेगा एज कंपेरिजन टू टॉप लेयर. और इसी के हिसाब से अब हमने इस वाटर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया तो इसकी जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, ये डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रही है, इट पुल डाउन बाय द अर्थ, इसको अपनी तरफ खींचेगा एंड ड्यू टू दिस पुल वाटर एग्जर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर एंड दिस प्रेशर जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ये जो प्रेशर है वो अनइवन होगा एंड दैट दिस बॉटम लेयर एक्सपीरियंसेस मोर प्रेशर एज कंपेरिजन टू टॉप लेयर. अभी आपने देखा एग्जाम्पल, हमने आपको बताया जैसे ही हमने इसमें पानी डाला तो पानी डालते ही जो है वो बॉटम लेयर पे जो है वो मोर प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेरिजन टू टॉप लेयर एंड दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द वॉटर अबव बॉटम लेयर इज मोर एंड द प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एंड दैट इज इफ आई टेक एनी पॉइंट हेयर इन द वॉटर. हमने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वॉटर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस. ओके, एंड द एयर is also being pulled down by the earth gravitational force. Earth gravitational force उसे क्या कर रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है. और जो फोर्स लग रहा है that applied force pressure on the air in the downward direction and the pressure exerted by air, जो प्रेशर एयर एग्जर्ट कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं. एयर प्रेशर को ही आप एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं. Understood what is atmospheric pressure? The pressure exerted by air is called atmospheric pressure or air pressure. इसको आप दोनों कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, नाउ सी, जस्ट अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक. एयर हैज वेट एंड द वेट ऑफ एयर एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट ऑन अर्थ एंड द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर. इसी को हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ये एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड से मिलकर बना है, एटमोस्फेयर प्लस प्रेशर. यानी कि ऐसा प्रेशर जो आप एटमोस्फेयर पे लगा रहे हैं दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इट? दिस इज अबाउट 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 10 टू द पावर 5 मींस अगर हम यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, ठीक है, न्यूटन आपने जो फोर्स लगाया एक्ट ऑन मीटर स्क्वायर, मतलब इतने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने जो इतना फोर्स थ्रस्ट अप्लाई करा है तब वो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Got it? Now, आपको पता है जिस एटमॉस्फेयर पे हम रहते हैं, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर पे हम रहते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट लेयर्स है. देखिए, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर है. आपको पता है ये जो अर्थ है हमारा इसमें आपकी डिफरेंट लेयर्स होती है, जैसे ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है. तो ये जो डिफरेंट लेयर्स होती है इनके नेमिंग होता है. जो अर्थ के सबसे ऊपर पे लेयर होती है उसको आप कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्ट्राटोस्फेयर. स्ट्राटोस्फेयर के बाद जो होती है उसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर. और थर्मोस्फेयर के बाद जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं आयनोस्फेयर.
ठीक है। नाउ ये हमारा जो अर्थ है, कभी भी जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो अर्थ के ऊपर पे जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, ये इफेक्ट करेगी। तो सबसे ज्यादा प्रेशर अगर ऊपर से अप्लाई होगा तो वो जो होगा वो किस पे अप्लाई होगा, ट्रोपोस्फियर पे होगा। ठीक है, ये सब लास्ट में जो है आपकी कौन सी लेयर होती है, आयनोस्फेयर। ये जो आयनोस्फेयर लेयर होती है वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। ठीक है, और अर्थ के सबसे ऊपर पे कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। तो जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर पे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है, ठीक है, ये बुक है और ये वाला इसका सबसे लास्ट वाला ये वाला आपका क्या है, इसका पेज है। ठीक है, अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इस बुक को, इस कॉपी को, मैं डायरी को मैं आप दबा रही हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं दबा रही हूँ तो ये जो इसका अपर पार्ट है इस पे इतना प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, इसके बॉटम पार्ट पे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, नीचे के पेजेस पे अप्लाई होगा। देखिए हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते ही देखिए ये बुक दब रही है आपकी, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नीचे वाले लेवल पे हो रहा है। Got my point? Understood this fact कि whenever you are applying a pressure, pressure सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है, experience करता है, bottom part पे। ठीक है, now अब ये atmospheric pressure, the existence of atmospheric pressure can be demonstrated by the following simple activities। अब हम आपको activity दिखाएंगे so that आपको पता चलेगा कि सब जगह atmosphere pressure भी apply हो रहा है। Okay? Atmospheric pressure. Now I am doing some activity so that you can easily understand the air exerts pressure. Now just look at here. Take a glass. एक आप glass लेना है, ठीक है, आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है। ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, आपको एक खाली ग्लास लेना है, आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है और इसके साथ साथ आपको एक वाटर लेना है। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले टेक अ ग्लास एंड फिल्ड विद वाटर, आपने क्या करना है, खाली ग्लास लेना है, उसमें पानी को डाल देना है। ठीक है, आपने पानी डाला, फिल्ड वाटर अप टू इट्स ब्रिम एंड टेक अ पोस्ट कार्ड। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉप पे ये पोस्ट कार्ड को प्लेस कर देंगे। ठीक है, पोस्ट कार्ड को प्लेस करेंगे। ठीक है, अब पोस्ट कार्ड को जैसे ही आपने इसमें प्लेस्ड किया है, अब यू विल नोटिस दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। कैसे हमने इसको इसमें प्लेस किया, अब अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले ग्लास लिया, उसमें पानी भरा अप टू इट्स ब्रिम और प्लेस अ पोस्ट कार्ड ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने हाथ को आपने फिर दोबारा से प्रेस किया और आप इसको धीरे 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 उल्टा करेंगे। ठीक है, एंड टाइटली उल्टा करेंगे इसको। नाउ जेंटली रिमूव योर हैंड फ्रॉम दी पोस्ट कार्ड टू रिलीज इट। अब मैं इसको धीरे 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 इसको हटा दूंगी, तो यू विल नोटिस दैट द पोस्ट कार्ड, यू विल नोटिस दैट द पोस्ट कार्ड डज नॉट फॉल डाउन फ्रॉम दी ग्लास। Although the pressure due to the water column in the glass act on it, the reason is that देखिए आपका पोस्टकार्ड गिर नहीं रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि एयर क्या कर रही है, प्रेशर को एग्जर्ट कर रही है। The reason is that the atmospheric pressure acting upwards on the postcard from outside the glass overcome the pressure on postcard due to water in the glass. I hope you can easily understand this activity that air exerts pressure. Got it? अब हम आपके सामने दूसरी एक्टिविटी करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है क्रशिंग केन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्रशिंग केन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में भी यही है कि जो एयर प्रेशर आउटसाइड द केन लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इनसाइड। Got it? अब देखिए हमने एक आपका मग लिया है, इस मग में हमने क्या किया, गर्म पानी लिया है। ठीक है, बहुत गर्म पानी है। ठीक है, अब ये गर्म पानी जो है आपका, इसमें हमने क्या किया, एक केन लिया है। अभी हमारे पास केन नहीं है तो हमने एक खाली एक छोटी सी बोतल ली है। इस खाली गर्म पानी, खोलते हुए पानी में आपने क्या करना है, इस बोतल को डालना है। ठीक है, जैसे आपने इस बोतल को इसमें डाल दिया है तो यू विल नोटिस दैट कि इसका शेप साइज जो हो गया वो क्या हो गया, देखो चेंज हो गया। आपने देखा गर्म पानी में जब कभी भी आप ऐसे कुछ भी चीजें डालते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज क्रशिंग केन एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसके साथ साथ आप डेली लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने कोई भी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उस प्लास्टिक की बॉटल में गर्म गर्म पानी डाल देना है, तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही गर्म पानी आप उसमें डालेंगे तो उसका शेप साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट मीन्स एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। थैंक यू।